अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कोई कुकिंग से रिलेटेड नहीं है, बल्कि मैंने एक नया सेलफोन लिया है। मैंने सोचा आपके साथ इसकी अनबॉक्सिंग की जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। इस फ़ोन को मैंने क्यों चूज़ किया है मेरे, ये भी आपको मैं आगे चल के बताऊँगा। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, मैं एक अच्छा स्मार्टफोन लेना चाह रहा था, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, वीवो हो गई, ओप्पो, सैमसंग, आईफोन, बहुत सारे, लेकिन मैंने फाइनली रियलमी 8 को चूज़ किया। क्यों चूज़ किया आगे चल के मैं आपको बताऊंगा इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। पहले कुछ बात कर लेते हैं, जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। जब आप डब्बे के ऊपर देखते हैं तो इस तरह रियलमी 8 की ब्रांडिंग दी गई है। नीचे इसमें आपको लिखा गया है कि 5000 mAh की बैटरी प्रोवाइड कर रहा है ये। 6.4 inch के सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ ये लॉन्च हुआ है। इसके अलावा 64 MP का AI स्क्वाड कैमरा दिया गया है। 30 W की डॉट चार्जिंग के साथ ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है। 128 GB की इंटरनल स्टोरेज इसमें दी गई है। 8 GB का रैम और इसमें दो कलर दिए गए हैं, साइबर ब्लैक और साइबर सिल्वर। तो मैंने यहाँ पे साइबर ब्लैक कलर को चूज़ किया है। वैसे एक बार मैं से शॉप पे ऑलरेडी इस डब्बे को खोल चुका हूँ, ओपन कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा से ओपन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर आपको क्या कुछ मिलेगा और इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे। वैसे आप नेट पर भी सर्च करके इसके स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। मेरा चैनल अनबॉक्सिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैंने जो फ़ोन लिया है मैंने सोचा आपके साथ भी इसे शेयर किया जाए। इसे मैंने क्यों लिया और कौन से लोगों के लिए ये फ़ोन लेना बेहतर होगा, एक अच्छा ऑप्शन होगा, तो सभी बातें डिस्कस करेंगे। जब आप डब्बे को ओपन करते हैं यहाँ पे रियलमी की ब्रांडिंग दी गई है और लिखा गया है वेलकम टू रियलमी फैमिली। तो यहाँ पर इसे जल्दी से निकाल लेते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर एक बुकलेट मिल जाता है आपको जब इसे आप ओपन करते हैं, तो यहाँ पर सेम इंजेक्शन की पिन आपको मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पेपर वर्क दिया गया है, तो यहाँ पे देखें सेम इंजेक्शन पिन आपको डब्बे में ही मिल जाती है। इसे साइड पे रखते हैं और यहाँ पे कुछ पेपर वर्क है, ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इसे कुछ पड़ता है नहीं, तो साइड पे रख देते हैं। और इसके अलावा बैक साइड के लिए जो कवर होते हैं, प्रोटेक्टर होते हैं, वो आपको मिल जाता है बॉक्स के अंदर ही। और फाइनली आप आते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की तरफ, तो आपको मोबाइल फ़ोन आपको अब मिल जाता है। और इसके ऊपर एक जो कवर था, आई थिंक मैं उसे शॉप पे ही भूल आया हूँ जब मैंने इसे ओपन किया था पहली बार, तो यहाँ पे लुक को देख लें, डेयर टू लीप एक बड़े साइज़ में इसके ऊपर लिखा गया है, ब्रांडिंग की है रियलमी की जो ब्रांडिंग है डेयर टू लीप, और काफ़ी शाइन प्रोवाइड कर रहा है। बैक साइड से ये 64 MP का AI स्क्वाड कैमरा दिया गया है। 4 कैमरा सेटअप इसमें दिया गया है, रियलमी की ब्रांडिंग की गई है। और फ्रंट वाली साइड से अगर देखा जाए तो सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ ये लॉन्च हुआ है। इसे जल्दी से ओपन कर लेते हैं, साइड पे रखते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर आपको और क्या इसमें मिलता है। तो इसमें आपको एक बड़े साइज़ का चार्जर मिल जाता है जो कि काफ़ी फास्ट चार्जिंग है, 30 W की चार्जिंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि 50 से 55 मिनट के अंदर ये आपको आपके सेलफोन को फुल चार्ज कर लेते हैं। इसके अलावा डब्बे के अंदर आपको एक केबल मिल जाती है, चार्जिंग केबल, USB A to USB C टाइप की केबल, इसे भी ओपन कर लेते हैं। और काफ़ी फास्ट चार्जिंग इस स्मार्टफोन में दी गई है, 30 W की डार्ट चार्जिंग, काफ़ी फास्ट चार्जिंग है। और अब आते हैं मेन चीज़ अपने मोबाइल फ़ोन की तरफ, तो इसकी लुक की अगर बात की जाए तो काफ़ी शाइन प्रोवाइड कर रहा है रियलमी का 8 फ़ोन। इसमें दो सीरीज़ दिए गए हैं, रियलमी 8 और रियलमी 8 प्रो। यहाँ पे डेयर टू लीप आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, और ये काफ़ी ब्रांडिंग जो है यहाँ पे काफ़ी बड़े साइज़ की गई है और काफ़ी शाइन प्रोवाइड कर रहा है। इससे मैंने कैमरे की वजह से चूज़ किया है। और इसके अलावा अगर इसकी बात की जाए इसके लुक के बारे में, यहाँ पे आपको साइड्स वाली साइड पे दो बटन मिल जाते हैं वॉल्यूम के और ऑन ऑफ के। यहाँ पे नीचे वाली साइड पे आपको एक स्पीकर मिल जाता है, चार्जिंग की एक चार्जिंग केबल की जगह मिल जाती है। और इसके अलावा दूसरे साइड से अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पे सिम की ऑप्शन मिल जाती है, सॉरी ये दूसरे साइड पे, इस साइड पे आपको सिम की जगह मिल जाती है। इसमें डुअल सिम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 SIM और एक मेमोरी कार्ड की ऑप्शन इसमें दी गई है। इसे ओपन करते हैं, आपको दिखा देते हैं मैंने इस फ़ोन को क्यों चूज़ किया आपको मैं बता दूँ। एक तो इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है, यहाँ पे पहले देख लें, 2 SIM और एक मेमोरी कार्ड इसमें यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये कि इसको मैंने कैमरे के लिहाज से चूज़ किया है, और बहुत ही इसके अलावा एक बहुत ही अहम चीज़ जो मुझे काफ़ी पसंद आई वो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर बहुत पसंद किया जाता है और मुझे भी काफ़ी ये अट्रैक्टिव लगता है। इसके अलावा कैमरे की बात की जाए जिसकी वजह से मैंने सेलफोन को चूज़ किया है, अगर आप कैमरे के लिए सेलफोन ले रहे हैं तो ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये 64 MP का AI स्क्वाड कैमरा दिया गया इस मोबाइल फ़ोन के अंदर। इसके अलावा इसके कैमरे में काफ़ी सारे से मूड दिए गए हैं, 2K इस प्राइस टैग में बाकी के सेलफोन में नहीं मिलते। वीडियो क्वालिटी की बात की जाए तो आप इसमें 4K तक
4K तक इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। 1080p पे आप 30fps 60fps पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा 4K का इसमें ऑप्शन दिया गया है वीडियो की बात की जाए अगर तो। और इसके अलावा कैमरा सेटअप में इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जो कि बाकी के स्मार्टफोन में आपको नहीं मिलेंगे। इसमें स्लो मोशन या पे इसके अलावा आप में अल्ट्रा माइक्रो, इसके अलावा आपको इसमें मिल जाते हैं डुअल कैमरा, बहुत ही अच्छा ऑप्शन जो है जो मुझे काफ़ी पसंद आया। इसमें आप फ्रंट और बैक कैमरा को एक टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें स्टारी मोड दिया गया है, तो काफ़ी सारे ऐसे मोड्स हैं जो कि इस प्राइस टैग में आपको बाकी के सेल फोन जो है उसमें नहीं मिलेंगे। अगर आप अच्छे कैमरे के लिए फ़ोन ले रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप रियलमी 8 को चूज़ कर सकते हैं। कैमरे के लिहाज से तो ये स्मार्टफोन A1 है। इसमें जो मोड्स दिए गए हैं वो इस प्राइस टैग के अंदर आपको बाकी के स्मार्टफोन में नहीं मिलेंगे। इसके अलावा इसमें जो चिपसेट इस्तेमाल किया है वो G95 है जो कि गेमिंग चिपसेट है। अगर आप गेम के लिए या फिर आप कैमरे के लिए स्मार्टफोन ले रहे हैं तो रियलमी 8 आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी स्पेसिफिकेशन और डिटेल वीडियो नेट पर चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। अल्लाह हाफिज़।